यहां पर ये ऐसा प्रश्न हमारी प्रश्नावली का पहला है जिसमें हम लोग अपनी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, इसमें यह दिया गया है कि इसके हमें शून्यक निकालने हैं। क्या निकालना है? शून्यक। और देखो कितनी घात का है, चार घात का, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम चार हो सकते हैं। कितने अधिकतम हो सकते हैं? चार। जितनी घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उतने हो। लेकिन यहां पर हमें दिया गया है एक शून्यक ये दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब दो तो हमें पहले से ही पता है, हमें दो और निकालने हैं, हमें चार निकालने थे लेकिन दो तो पता है, इसका मतलब बाकी के दो निकालने होंगे। तो अब कोई भी शून्य दे रखा है इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर अंडर रूट पांच बटे तीन, पांच बटे तीन का पूरे का वर्गमूल, जब हम ये मान रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, हमें ये पता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ही आप इसको इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, वर्गमूल पांच बटे तीन को उधर ले आए तो ये आपको मिल गया शून्य। इसका मतलब जब ये शून्य होगा तब भी देखो जो ये लिखा हुआ है वही चीज ये लिखी हुई है, इसमें आप इसको धर लिया तो आप शून्य बच गया ना, वही चीज लिखी हुई है। तो ये आपको पहले से दे रखा है, यानी कि x ऋण पांच बटे तीन का वर्गमूल जब आप ले रहे हो तो ये क्या है, ये शून्य के बराबर है। और यही इसका इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो यहां से हमें दो गुणनखंड मिलेंगे, एक तो ये मिल जाएगा जब अंडर रूट पांच बटे तीन है, और जब ये वाला लेंगे तो क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा x ऋण ऋण पांच बटे तीन का वर्गमूल, समझ रहे ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x धन वर्गमूल पांच बटे तीन। अच्छा ये हो गया शून्य के बराबर। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ही समझ में आया कि दो हमारे जो वर्गमूल जो भी हमारे ये है बहुपद, इसके दो हमें गुणनखंड पता चल गए, एक ये और एक ये। तो क्या हम दोनों से भाग करेंगे, अभी सोचिए, एक बार हम इससे भाग देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, फिर एक बार इससे भाग देंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम फिर से विभाजन एल्गोरिथम को सही से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार भाज्य है, आप इसमें क्या करते हो, भाजक से भाग देते हो, आपको मिलता है भागफल, उसमें आप गुणा कर दो और शेष को जोड़ दो तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। कौन सी दोनों चीजें, जो पूरा भाज्य है वो इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर भाजक क्या हो, भाजक क्या सिर्फ एक बार ये गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और फिर जो आएगा उससे हम इसमें भाग देंगे तो हमारी मेहनत बच जाएगी। नहीं तो जब सिर्फ इससे भाग करेंगे तो हमें जो भी गुणनखंड मिलेगा, जो भी भाग पे मिलेगा उसका ये भी गुणनखंड होगा। नहीं आपको समझ में आया, ऐसे समझो, एक उदाहरण से समझाता हूं। एक उदाहरण मान लो 360 है, बहुपद नहीं है, संख्या वाले से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मान लीजिए आपको ये बताया पहले से कि इसका एक गुणनखंड चार भी है और एक गुणनखंड इसका तीन भी है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको चार से भाग दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, नब्बे, और आपने कहा शून्य, एक बार ये मिल गया। दूसरी बार आपने क्या कहा, आपने कहा कि इसका तीन से भाग देना है, क्यों, क्योंकि आपको हमने क्या बता रखा है कि एक गुणनखंड बता दिया और दूसरा गुणनखंड बता दिया है, तो आपने इस बार तीन से भाग दिया, आपको मिल गया 120, फिर आपको शून्य मिल गया। ये क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो शेष दोनों बार शून्य मिल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बात ये सोचो कि जब चार से भाग दे रहे हैं तो जो कुछ भी मिल रहा है उसका एक गुणनखंड तीन है या नहीं है। देखो इसका तीन गुणनखंड है, तो अब हमें इसमें से फिर से तीन से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसमें फिर से तीन से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा चार गुणे तीन गुणे तीस, यही तो मिला। और इस वाले में क्या मैं बोल रहा हूं, इस वाले में बोल रहा हूं कि जब आपने तीन गुणनखंड माना तो जो आपको मिला उसमें आपका दूसरे वाला गुणनखंड भी होगा, तो इसमें से क्या चार अगर निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक बार तो ये मिल गया, कब मिल गया, एक बार ये मिल गया जब आपने यहां पर तीन जो है वो नब्बे से निकाल लिया। अब 120 से आप चार निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, तीन गुणे चार गुणे तीस, फिर से मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आया आपको कि अगर आपको दे रखा है कि इसका एक गुणनखंड चार है, गुणनखंड तीन है, तो आप चार का और तीन का पहले ही गुणा करा दो, पहले ही गुणा कर दो और उससे फिर आप उसको भाग करो तो क्या हो जाएगा, चार और तीन का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, बारह। तो 360 को आप लिख दोगे, 360 बराबर बारह गुणे क्या, तीस। अब ये बारह जो है वो आपको पहले से दे रखा था, सीधे सीधे नहीं, आपने जब दोनों का गुणा करा दिया और दोनों ही कंडीशन में आपको जो 30 है वो नया भागफल मिल रहा है। अब 30 जो है वो छोटी संख्या है, उसके साथ हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं, उसके और गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, तो हमें ये करने की जरूरत थी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं बताना क्या चाह रहा था, इसको बहुत आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 210, 210 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे होंगे, दो से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, शून्य अंत में 105, फिर दो से जाएगा, नहीं जाएगा, तीन से जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर आप पांच से भाग दे पाओगे, सात आ जाएगा, फिर सात से भाग दोगे तो एक आ जाएगा। यानी कि 210 को आप कैसे लिख सकते हो, दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे सात, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब क्या करिए, अगर आप 210 को दो से भाग करोगे, किससे, इससे भाग करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 105 मिलेगा राजा बाबू। और 105 वास्तव में क्या है, तीन गुणे पांच गुणे सात, यही है ये, और जो आपको यहां से सीधा सीधा दिख रहा है, समझे।
अभी देखिए 210 को आप क्या करो, 210 को आप 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, ठीक। अब क्या मिलेगा, अब आपको जो भी मिलेगा वो 2×3×7 के बराबर होना चाहिए। यहां से आप भाग देकर देखो तो क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो 42 क्या होता है, 6×7 42, यानी कि 2×3×7 इसी के बराबर है, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, 2 से आपने किया, 5 से किया, अब 2×5 से भाग दे दो, किससे कर दो, 2×5 से। तो जब 2 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पर जो 5 आ रहा था ना, वाला 5 भी नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ 3×7 आना चाहिए। तो देखिए 210 में आप 2×5 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 21, और 21 किसके बराबर हो रहा है, 3×7 के बराबर। तो ये हम कर क्या रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जिसमें बड़ी कोई बड़ी संख्या है उसमें अगर हम उसके अभाज्य गुणनखंडों से पहले से ही भाग कर दें तो जो हमें संख्या मिल रही है वो काफी छोटी हो जा रही है, और उसके गुणनखंड कर पाना आसान होता है। संख्या के मामले में तो फिर भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे कौन सी बहुत भारी दिक्कत है, 210 है इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे, और 210 की जगह आप 21 दोगे इसके भी कर लेंगे। तो 21 के गुणनखंड कोई बहुत आसान है ये बात तो है नहीं, लेकिन जब हम लोग बहुपद की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात करते हैं, और 4 घात का पॉलिनोमियल हमारे पास है, 4 घात का बहुपद है, तो जब 4 डिग्री पॉलिनोमियल को तो हमें फैक्टराइज करना आता नहीं है, उसके गुणनखंड निकालना तो आता नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 4 घात के गुणनखंड को अगर 2 घात के बहुपद से, 4 घात के गुणनखंड मैंने बोल दिया, 4 घात के बहुपद को, किसको, 4 घात का क्या है, बहुपद है, उसको अगर हम 2 घात के बहुपद से भाग दे दें तो हमें 1 2 घात का बहुपद मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा, 2 घात का बहुपद, क्यों, वो इसी तरह का होगा, क्यों, आपने 210 को जब 2×5 से भाग दिया तो आपको छोटी चीज मिल गई ना, ऐसे यहां पर भी होगा, तो जो 2 घात का बहुपद मिल जाएगा, अब उस 2 घात के बहुपद के गुणनखंड निकालना हमें आता है। हम लोगों ने कक्षा 8 में भी सीखा था, कक्षा 9 में भी सीखा था, उसमें एक बार होता था जो हम लोग मध्यम टर्म को, जो मध्यम पद होता है उसको तोड़ दिया करते थे, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वो हम लोग तोड़ करके क्या कर देंगे, उस 2 घात के बहुपद का जो भी हमें मिलेगा उसके हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे, और वहां से हमें 0 बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी सिद्धांत का या इसी अप्रोच का, इसी टेक्निक का हम लोग प्रयोग करेंगे जब हम लोग अपने 4 घात के इस बहुपद को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये एक गुणनखंड है और साथ में ये एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे, और ये जो गुणा निकल करके आएगा उससे हम अपने 4 घात के बहुपद को भाग देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इन दोनों गुणनखंडों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, किसका, जो गुणनखंड है, गुणनखंड क्या क्या है राजा बाबू, एक गुणनखंड है x ऋण वर्गमूल 5/3, और दूसरा क्या है यार, दूसरा है x धन वर्गमूल 5/3, ठीक। अब याद करो एक सर्वसमिका, एक आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिनको याद नहीं है वो लोग एक बार उठक बैठक कर लो, है ना, क्योंकि याद होना चाहिए यार, ये तो हम लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ी थी, फिर 9 में तो ठीक से पढ़ी थी, उसके बाद से हम लोग कक्षा 10 में भी इसको एक दो बार पढ़ चुके हैं पहले। तो a धन b का गुणा करते हैं a माइनस b से, यानी a ऋण b से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल जाता है। तो यहां पर a माइनस b है, a धन b बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, x घात 2 माइनस वर्गमूल 5/3 की घात 2। अब वर्गमूल भी लगा हुआ है और वर्ग भी है, तो वर्गमूल के ऊपर वर्ग लगाओगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर ऋण 5/3, ये आपको मिल गया। देखो मैं पहली बार में थोड़ा आराम से इसलिए बताता हूं ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पहला वो क्वेश्चन है जिसमें हम एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं, और साथ में पहले से मुझे वर्गमूल दे रखे हैं, एक से ज्यादा दिया हुआ है, अगर सिर्फ एक होता तो बहुत आसानी से मैथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हमें वो भाजक मिला है जिससे हमें इसको भाग देना है, अब हम भाग देंगे, और अब देखिएगा हम भाग किससे देंगे, एक्स की घात 2 माइनस 5/3 से। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा कठिन इसलिए है, कठिन तो नहीं है, इसमें देखो एक ये जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी क्या है, एक भिन्न है, तो यहां पर हमें थोड़ा सावधानी से ये प्रश्न को करना होगा, ठीक। इसको मैं बिगाड़ देता हूं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो वीडियो को पॉज करके। अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसी घात 2, यहां पर ऐसी घात 4 है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात को हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 3 ऐसी घात 2 से गुणा कर दिया, है ना, ये भी बिगाड़ देते हैं। ये तो एक आइडेंटिटी थी, एक सर्वसमिका थी जो मैंने आपको याद कराने के लिए लिखा दी थी। अब क्या हुआ, अब देखना यार 3x की घात 4 है, ये भी आ गया। अब -5/3 और वहां पर क्या है 3, तो देखो -5/3 है, अब आप इसका 3x की घात 2 से गुणा कर रहे हो, तो 3 और 3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या -5x की घात 2।
और x की घात 2 के नीचे ही लिखना होगा आपको, x की घात 3 के नीचे नहीं लिखोगे, यहां पर लिखोगे, यहां पर कितना लिखोगे -5 x की घात 2। अब इसके आप चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा ऋण का, ये हो जाएगा धन का, ये तो कट जाएगा, है ना। अब क्या बचा, ये देखो 6x की घात 3 तो आप पहले उतार लो, धन की है तो आप पहले धन लगाओगे, नहीं लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ, ये -2 है, ये -5 है, तो ये हो गया आपका धन 3x की घात 2। अब देखें यहां पर 2 का डिफरेंस है, इसलिए हमें एक और टर्म उतार लेना चाहिए। 2 किसका डिफरेंस है, घात का 2 का डिफरेंस है, यहां पर 2 है, यहां पर घात 0 है। अब देखिए ऐसी घात 2 है, यहां पर ऐसी घात 3 है, तो एक तो x से गुणा करना पड़ेगा, साथ में हमें 6 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे धन 6x कर दिया, ठीक। अब क्या किया, धन 6x हो गया, तो हमें मिल गया 6x की घात 3, और साथ में 6x से गुणा करेंगे -5/3 में, तो देखो फिर से कट जाएगा पूरा पूरा, 6x से कर रहे हो तो 3 से 2 बार आ गया, तो ये मिल जाएगा आपको ऋण 10x। तो अब ऋण 10x को कहां लिखोगे, 10x के नीचे, यार देखो ऋण 10x के नीचे लिखो, समझे। तो ये हो गया धन का, ये हो गया ऋण का, क्योंकि चिन्ह बदल गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऋण 10x था, उसमें से आप ऋण 10x ही घटा रहे हो, और ऋण 10x से ऋण 10x घटा रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 10x में आप वास्तव में 10x जोड़ रहे हो, कंफ्यूज हो गया फिर से, ऋण 10 है इसमें से आप घटा क्या रहे हो ऋण 10, या फिर ऋण 10 में आप क्या कर रहे हो 10 जोड़ रहे हो, एक ही बात तो है, क्योंकि ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, वही यहां पर हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों तो कट गए, मिला क्या 3x की घात 2 मिल गया, और क्या मिल गया यहां से ऋण 5। अब देखते हैं कुछ होगा गुणा, क्या 3 से गुणा करेंगे तो 3x की घात 2 हो जाएगा, तो क्या कर दिया मैं 3 से गुणा कर दिया, तो ये तो 3x की घात 2 हो गया, और देखो वहां वाला 3 जो है ये 3 से कट जाएगा, तो ऋण 5 बचेगा, समझे। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहां पे चिन्ह बदलने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, बदल भी दो, क्योंकि बात तो सीधे सीधा हमें दिख रहा है कि कट जा रहा है। तो अब क्या हुआ, अब हमें भागफल मिल गया, और अब यहां से कहानी शुरू होगी, प्रश्न हमारा खत्म नहीं हुआ अभी। अब हमें ये जो भागफल मिला है बेटा, इस भागफल के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस भागफल के हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, और वहां से हम लोग इसके मूल निकालेंगे। अब इसके गुणनखंड निकालने में किसके निकालने हैं, यहीं पे कर देते हैं। हम लोगों ने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, मध्यम पद को तोड़ करके गुणनखंड निकालना। तो 3 * 9 होता है, इसको ऐसे तोड़ना है कि 3 * 9 आ जाए, बहुत ही आसान है। 3x की घात 2 धन 3x धन 3x, देखो 6 को तोड़ दिया, 6 को 3x में तोड़ सकते हैं, फिर यहां पर 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से 3x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बचा आपका x धन 1, यहां से क्या किया आपने 3x है तो आप 3 कॉमन ले लो, x धन 1 मिल गया। अब यहां से क्या हो रहा है, x धन 1 और x धन 1 कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया x धन 1 ले लिया, यहां से आपको मिल गया 3x धन 3, और इसमें सो ये और ये बात फर्क नहीं पड़ता, 3 को यहां से निकाल भी सकते हो, तो आपको 3 बाहर निकाल लोगे तो x धन 1 का एक होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन छोड़ दो। अब आप क्या करो, इसी को जब आपको शून्य निकालने हैं तो आप क्या कर देते हो, इन दोनों को शून्य के बराबर कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x धन 1 को शून्य के बराबर करोगे तो x आपको मिल जाएगा यहां से ऋण 1, और दूसरे से भी वही मिलेगा, देखना 3x धन 3 को आप बराबर करोगे शून्य के तो आपको क्या मिलेगा 3x मिल जाएगा ऋण 3 के बराबर, और x मिल जाएगा यहां से ऋण 3/3 यानी कि ऋण 1 के बराबर, यानी कि ऋण 1 दोनों एक ही मूल आ रहे हैं। तो इसके 4 मूल तो हैं, लेकिन उसमें से बोलेंगे कि 4 में से जो एक मूल है वास्तव में 2 संपाती बिंदु हैं। तो एक तो आपको पहले से दे रखा था क्या, वर्गमूल 5/3, दूसरा माइनस वर्गमूल 5/3, तीसरा ऋण 1, चौथा भी ऋण 1। तो ये 3 वर्गमूल निकले हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 2 संपाती बिंदु हैं। अब ये 2 संपाती बिंदु क्यों बोलते हैं, जब आपने ज्यामितीय रूप समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दोनों बिंदु पास आते चले जाते हैं और वास्तव में एक ही बिंदु मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको 2 बिंदु बोलते हैं। लेकिन संपाती, संपाती मतलब कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, और वो क्या हो जाएंगे 2 संपाती बिंदु। तो ये आपका प्रश्न हो गया, ये प्रश्न एक इंटरेस्टिंग था जिसमें हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिदम का भी यूज किया, हमने उससे पहले जो हमारे अलग अलग गुणनखंड थे उनका गुणा कराया, फिर हमने उनको भाजक बनाया, भाजक बनाने के बाद से फिर हम लोगों ने भाग दिया, फिर जो हमारा भागफल आया उसके हम लोगों ने गुणनखंड किए, और उन गुणनखंडों को शून्य के बराबर किया क्योंकि हमें शून्य निकालने थे, और उस सही समय शून्य मिल गए और दोनों शून्य एक ही जगह से आ गए। और इसको देखो यहां से दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ये मिल गया आपको, ये तो x धन 1 है, यहां से आप 3 बाहर निकाल लो तो फिर आपको x धन 1 मिल जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 3 है और x धन 1 की घात 2 है, ठीक। अब इसको आप शून्य के बराबर करोगे तो देखो इसको शून्य के बराबर करने से हमें सीधे से दिख जाएगा कि एक ही मूल निकलेगा, कैसे देखना, कैसे 3x धन 1 की घात 2 है, इसको शून्य के बराबर किया आपने, ठीक है, क्या हो गया 3 से आप शून्य को भाग दे दोगे तो x धन 1 की घात 0 रह जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, x धन 1 को आपने वर्गमूल निकाल दिया, तो यहां पर आप शून्य का वर्गमूल निकालोगे तो शून्य ही मिलेगा, और शून्य में प्लस माइनस होता नहीं है, दोनों ही तरफ से कोई ये शून्य ना ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, फिर क्या हो जाएगा x जो यहां से आपको ऋण 1 मिल जाएगा। तो दोनों जो बिंदु है ऋण 1 पर ही संपाती बिंदु आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में।